सभी को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, सीए, एमबीए, आईआईटी और आईआईएम की कक्षा तक पढ़ाना है। कितने लाख से कितने लाख खुद नौकरी करता होगा लेकिन अपने बच्चे के लिए वो कितने रुपए जमा करता है? नहीं, मैंने भले नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए जिंदगी भर वो पसीना निकालता है, संपत्ति का बलिदान देता है। नंबर चार, कभी स्वास्थ्य का भी बलिदान देते हैं। सुना है आपने, सबको रविवार को रजा मिलती है, एक को नहीं मिलती है। किसको नहीं मिलती है? माँ को नहीं। कभी कहा रसोड़े में आज रजा, आज शाम को घूमने आप लेके जाओ और वहां खाने वहां बात अलग है, लेकिन पूरे दिन कभी उनको छुट्टी मिलती है? 2 डिग्री बुखार होगा तो भी माँ रसोड़े में जाएगी, कितनी भी बूढ़ी होगी तो भी माँ एक बार रसोड़े में जाएगी। आपने सुना होगा राजस्थान के एक समय के जो सीएम थे आगे जाके भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, कौन? शेखावत। 1997 में मैं जब पिंडवाड़ा में चौमासा था उस समय वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे और एक बार उनका इंटरव्यू ले लिया गया। मैंने पढ़ा इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं जब बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ मीटिंग में 9 से बैठता हूं ना सुबह 12 बजते, मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ आती है दरवाजे के पास, प्यून को पूछती है खाना खाया? नहीं माँ जी, अभी मीटिंग चल, वापस जाएगी, वापस आधे घंटे में आएगी। उनका 1.5 घंटा है ना, आधे घंटे में पूरा हो जाता है। वापस खाना खाया? नहीं अभी नहीं, अभी देर लगी। माँ जी अभी 1 घंटे के बाद आई, 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 2 बजेंगे ना, फिर उससे रहा नहीं जाएगा। और वो प्यून को क्या कहेगी, चल हट दरवाजा खोल। अब सीएम की माँ है ना, नरेंद्र मोदी की माँ यदि हीरा भाई कह दे कि दरवाजा खोल, ताकत है किसी की दरवाजा बंद रख सके? देखो आपको अपने माँ के पास जाने का समय नहीं मिलता है। दिल्ली में बैठे नरेंद्र भाई रोज सुबह 9 बजे संसद में आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं ना, सबसे पहला फोन किसको करते हैं? जब वो गुजरात में थे सीएम थे, जब भी उनका जन्मदिन आता था ना, कोई कट्टर न्यूज़पेपर वाला होगा ना, वो भी पहले पन्ने में फोटो छापेगा इनका, नरेंद्र मोदी, मोदी जी हीराबेन से आशीर्वाद। अब मोदी जी से भी ऊपर, याद रखना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यूं ही ऊपर नहीं आई है, उनके पीछे माँ के आशीर्वाद है। मोदी जी यहां तक पहुंचे आज भी हीराबा को भूलते नहीं, हम मंदिर जाएंगे 2.5 घंटा भगवान की पूजा करेंगे, बीमार माँ के लिए 0.5 घंटा भी नहीं देंगे, तुम्हारी पूजा का कोई मतलब नहीं, बंद करो ये दिखावा है। माँ को कोई वार्ड बॉय कोई नर्स को दे देना और खुद भगवान की पूजा करना। भगवान ने भी मना किया, जय वीराय में 13 प्रार्थना में एक प्रार्थना ये लिखी, गुरु जन पुआ सुह गुरु जोगो, यानी कि सदगुरु की सेवा बाद में करो, गुरुजन यानी माँ बाप उनकी पूजा पहले करो, ये भगवान ने बताया। 5 लाख की चढ़ावा लेकर हमें कंबल बाद में उड़ाओ, ठंडी के दिन में तुम्हारी माँ की बाप की यदि शाल रात को निकल गई है, कंबल निकल गया है, उठ के वापस चढ़ा। हम तुम्हारे घर यदि बैर ने आवे, हमें सीरा बेराते हो, नहीं चाहिए तुम्हारा सीरा, उससे अच्छा है माँ को सुबह में ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म उकाला करके पिलाओ, हमारे सीरा से ज्यादा पुण्य तुम्हारी माँ को उकाला पीने में आपको मिलेगा।